हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप भी वही सेम तरीके से तुरई की सब्जी खा कर बोर हो चुके हैं और अगर आपको स्पाइसी और चटपटी सब्जी खाने का शौक है तो आप एक बार इस तरीके से मसालेदार स्पाइसी तुरई की सब्जी बनाकर देखिए, क्योंकि अगर आप इसको एक बार बनाकर खाएंगे तो आप तुरई की सब्जी हर बार इसी तरीके से बनाएंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं सबसे पहले ले रही हूँ 350 ग्राम तुरई, जिसको मैंने पहले से ही छीलकर पानी से अच्छे से धो लिया था। फिर इसके हमें मोटे मोटे टुकड़े काट लेने हैं, जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया है। आप देख सकते हैं मैंने सारी तुरई को मोटे मोटे पीसेस में काट लिया है। अब एक खलबत्ते में हम लेंगे 5 कलियां कटी हुई लहसुन की, 1 इंच अदरक का टुकड़ा कटा हुआ, 2 हरी मिर्च कटी हुई और 1/2 चम्मच नमक। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से कूट लेंगे और इसका एक दरदरा पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद अब हम एक कढ़ाई में लेंगे 1/4 कप सरसों का तेल। जब तेल गर्म हो जाए उसमें डालें 1 छोटी चम्मच जीरा, 1/4 छोटी चम्मच हींग, 1 खड़ी लाल मिर्च। फिर डालें जो हमने अदरक लहसुन को कूट कर एक दरदरा सा पेस्ट बनाया था उसको। अब हम इसे भूनेंगे मीडियम हीट पर जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हमें डालना है प्याज का पेस्ट, जिसको मैंने 2 मीडियम आकार के प्याज लेकर ग्राइंडर में पीस कर बना लिया था। इसको भी हम मीडियम हीट पर अच्छे से भून लेंगे जब तक प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाता और इसमें से तेल अलग नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं प्याज भुन चुका है और इसमें से तेल भी अलग हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे सूखे मसाले, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 2 छोटी चम्मच धनिए का पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। फिर हम सभी मसालों को अच्छे से भूनेंगे करीबन 1 मिनट के लिए। इससे हमारी सब्जी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। मुझे करीबन 1 मिनट हो चुके हैं मसालों को भूनते भूनते। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरे, जिसको मैंने एक बड़े साइज का टमाटर लेकर ग्राइंडर में पीस लिया था और इसका प्यूरे बना लिया था। अब हम टमाटर को भी अच्छे से भूनेंगे जब तक इसमें से भी तेल अलग नहीं हो जाता। हमें मसालों को हर स्टेज में अच्छे से भूनना है, तभी हमारी सब्जी और भी स्वादिष्ट बनेगी। आप देख सकते हैं हमारी सब्जी का मसाला अच्छे से भुन चुका है और तेल भी अलग हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने पहले से ही काट कर रखी थी तुरई, और मसालों के साथ इसे 1 से 2 मिनट खुला ही भूनेंगे बिना ढक्कन लगाए। जब 1 से 2 मिनट हो जाएं, उसके बाद हम ढक्कन से कवर करके इसको पकाएंगे बिना पानी डाले, जब तक कि तुरई पूरी तरीके से पक नहीं जाती। और एक बात का ध्यान रखें, ढक्कन हटाकर इस सब्जी को बीच बीच में चलाते रहें, नहीं तो सब्जी नीचे से जल सकती है। और हम इस सब्जी को धीमे से मध्यम आंच पर ही पकाएंगे। आप देख सकते हैं तुरई पूरी तरीके से पक चुकी है और इसे पकने में करीबन 10 से 12 मिनट का समय लगा है। लास्ट में इसमें डालें 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला और कटा हुआ हरा धनिया। दोनों को मिक्स करें और गैस की फ्लेम को बंद कर दें। आपकी बहुत ही टेस्टी मसालेदार तुरई की सब्जी बनकर तैयार है। अगर आप इस सब्जी के ऊपर घी डालकर रोटी के साथ एक बार खाएंगे, आपको ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। आप इस सब्जी को एक बार घर में ज़रूर बनाएं और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो या फिर ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।